नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। भाई मैं हूं प्रकुल और आज मैं कवर कर रहा हूं दोस्तों अफगानिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश के आखिरी T20 इंटरनेशनल को। ये है सेकेंड T20 इंटरनेशनल। पहले मैच में उम्मीद थी कि अफगानिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश इन द T20s, तो दोस्तों ऐसे में उम्मीद थी कि अफगानिस्तान मैच जीतेगी। बट भाई बांग्लादेश ने बाजे फाड़ दिए, अफगानिस्तान के पहले अच्छी बल्लेबाजी करी और 155 का टारगेट खड़ा किया और फिर उसके बाद धारदार गेंदबाजी के चलते टीम ने अफगानिस्तान को कभी गेम में आने का मौका ही नहीं दिया। अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्या अफगानिस्तान यूटर्न मारेगी और मैच अपने नाम कर पाएगी, सीरीज ड्रॉ करेगी, देखना होगा दिलचस्प। तो भाई लोग सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर करते हैं इस प्री मैच एनालिसिस में। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर सम टाइम, क्योंकि आज अनाउंस करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज। दोस्तों अब जब IPL आने वाला है तो एक नया खेल हम लोग अपने वीडियो में डाल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि हम पहले पूछने वाले थे अब उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपसे पूछे जाएंगे सवाल जिसका जवाब आपको ऑन डेली बेसिस देना होगा और इसके चलते आपको मिल सकते हैं कुछ बड़े प्राइजेस जिसकी झलके आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे ही रही होंगी। तो दोस्तों इस बारे में भी आपको काफी डिटेल में बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करते चले। शुरुआत करते हैं दोस्तों हेड टू हेड कंपैरिजन के साथ। भाई 8 मैचेस दोनों टीम्स के बीच खेले जा चुके हैं, जहां 3 बार बांग्लादेश जीत चुकी है और 4 बार अफगानिस्तान का बोलपाला रहा है। अभी भी एक मैच दूर है बांग्लादेश। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या इस मैच में दोनों टीम्स अब हेड टू हेड कंपैरिजन के मामले में बराबरी कर लेगी या नहीं? वेल यहां पर अगर हम बात करें वेन्यू की, तो दोस्तों शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में वंस अगेन ये मैच होगा। टोटल 58 मैचेस इस ट्रैक पर खेले जा चुके हैं और एक बात तो साफ है कि भाई टॉस यहां पर कोई क्रूशियल रोल प्ले करता नहीं दिखाया। हालांकि लास्ट मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मैच जीता था और अब अगर हम ओवरऑल पूरे समीकरण देखें तो 29 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं एंड 29 मैचेस ही सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहता है समवेयर अराउंड 146 रन्स। हाईएस्ट स्कोर है बांग्लादेश का 211 रन्स और लोएस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड का 60 रन 10 विकेट पर। तो दोस्तों ये है अभी तक का समीकरण। अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 के नीचे 34 बार स्कोर बनाया गया है, अबव 150 का स्कोर 15 बार बनाया गया है और अबव 190 का स्कोर 9 बार बनाया जा चुका है। तो दोस्तों इस लिहाज से अगर हम देखें तो once again 150 के आसपास का स्कोर खिंचता नजर आ सकता है, लेकिन यहां पर अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करती है तो भाई आपके लिहाज से क्या रहना चाहिए स्कोर, जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। अब दोस्तों ये तो हुई इधर उधर की बातें, चलिए बढ़ते हैं टीम्स की ओर और नजर डालते हैं की प्लेयर्स पर जो कि पहले T20 में शानदार परफॉर्म करते दिखे थे और अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मूविंग ऑन विद बांग्लादेश, दोस्तों सबसे पहले तो टॉप ऑर्डर में लिटन दास ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 60 रन बनाए थे टीम के लिए, महत्वपूर्ण पारी का योगदान दिया था और ऐसे में इन्हें सपोर्ट मिला था लोअर मिडिल ऑर्डर में अकीफ हुसैन से। अब यहां पर भी बांग्लादेश का जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा अफगानिस्तानी गेंदबाजों के सामने थोड़ा सा कमजोर जरूर नजर आया था, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा सिर्फ मुनीम शहरियार थे जिन्होंने डबल डिजिट्स में रन स्कोर करे थे, 17 रन अपने खाते में जोड़े थे। अब अगर हम बात करें इनके अलावा बॉलिंग अटैक की तो यहां पर हमें काफी सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों नजरुल अहमद हैं जिन्होंने 4 विकेट चटकाए थे, शानदार इकोनॉमी मेंटेन करी थी और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिला था शाकिब अल हसन का। हालांकि उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे, 4.5 की इकोनॉमी रही थी, उम्मीद थी कि शाकिब बल्ले से भी कमाल दिखाएंगे, बट हो सकता है कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में शाकिब अल हसन का बल्ला बोले और बांग्लादेश एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। अब इन दोनों गेंदबाजों के अलावा शोरिफुल इस्लाम भी ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, भाई 3 विकेट इन्होंने चटकाए थे 7.9 की इकोनॉमी को मेंटेन करते हुए। तो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि फर्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करते दिखे थे। अब इनके अलावा अगर हम स्क्वाड पर नजर डालें तो लिटन दास, मोहम्मद नईम, शाकिब अल हसन, महमूदुल्ला, यासिर अली, अफीफ हुसैन, मुनीम शहरियार, मेहदी हसन, नजीम अहमद, शोरिफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान, इस प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ डेफिनेटली बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू देयर ओपोनेंट अफगानिस्तान, भाई इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी वो तो दोस्तों फ्लॉप रही थी बट गेंदबाजी में अभी भी स्पार्क नजर आता है बिकॉज दे हैव फजल हक फारूकी जिन्होंने ODI में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और वंस अगेन T20 इंटरनेशनल में भी विकेट निकाले थे अगेंस्ट बांग्लादेश, 2 महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिला था अजमतुल्ला का जिनके खाते में भी 2 विकेट आए थे। अब दोस्तों यहां पर राशिद खान
किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं, क्या राशिद खान होंगे एक्स फैक्टर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में, क्योंकि बड़ा नाम है एंड माय पर्सनल फेवरेट। दोस्तों उम्मीद होगी कि भाई राशिद खान इस बार ज्यादा विकेट निकाल सके। तो ये तो है इनका बॉलिंग अटैक जो कि डिसेंट नजर आता है, बट जहां तक बात है बल्लेबाजी की, यहां पर टीम को मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों यार नजीबुल्ला जादरान और मोहम्मद नबी दो मात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो कि थोड़ा बहुत रन स्कोर करते नजर आए थे। इनके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो हजरतुल्ला जजाई से उम्मीद है कि वो एक अच्छी शुरुआत दे सके और इन्हें रहमतुल्ला गुरबाज का भी अच्छा सपोर्ट मिले। तो भाई अब यहाँ पर एक साफ तौर पे नजर आता है कि बैटिंग लाइनअप में अफगानिस्तान में काफी खामियां नजर आती हैं और ऐसे में वंस अगेन ये मैच भी बांग्लादेश की तरफ जाता नजर आ रहा है। दोस्तों आपके लिहाज से क्या इस मैच में भी होगा चमत्कार और अफगानिस्तान ओडीआई की तरह भी ये आखिरी T20 मैच अपने नाम करेगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।